नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। करतारपुर कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर जो पाकिस्तान और भारत के बीच की तमाम छोटी बड़ी तल्खियों के बाद भी बनकर तैयार हो रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत के खिलाफ अपनी साजिशों को, नापाक रणनीतियों को दोगुना किया है, उसके बाद भी करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इससे सिर्फ भारत के सिखों को ही नहीं पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा फायदा है। उस पाकिस्तान को जिसकी अर्थव्यवस्था गिरती ही चली जा रही है। इमरान खान के राज में अर्थव्यवस्था धड़ाम हो गई है। पाकिस्तान की जनता की हालत खराब है, पैसे पैसे के लिए मोहताज है, पेट भरने के भी लाले पड़ गए हैं। उस पाकिस्तान को उस करतारपुर कॉरिडोर से अपना राजस्व बढ़ाने की उम्मीद है, अपने मुल्क का खजाना बढ़ने की उम्मीद है। तभी तो भारत से गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए उसने $20 वसूलने का मन बनाया है। एक भारतीय तीर्थयात्री से पाकिस्तान वसूलेगा पूरे $20। हर रोज 5,000 श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान। पाकिस्तान की रोज की कमाई होगी पूरे $1,00,000। एक साल में कमाई होगी पूरे $3.65 करोड़। $1 की कीमत है पूरे 155.74 पाकिस्तानी रुपए। एक साल में कमाई होगी 555 करोड़ रुपए। पाकिस्तान भारत के तीर्थयात्रियों से तब भी $20 वसूलने की तैयारी कर रहा है जब भारत सरकार ने इस वसूली के लिए पाकिस्तान को मना किया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं हुआ और वो हर एक तीर्थयात्री से करेगा कमाई और भरेगा अपना खजाना। लेकिन अपने इस खजाने में भरने वाले रुपयों को वो अपने मुल्क की जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर इसे भी आतंकियों को पालने पोसने में लगा देगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, उस पर लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ा हुआ है और मदद के लिए वो IMF समेत तमाम संस्थाओं के आगे हाथ फैला चुका है। लेकिन अब ज्यादातर संस्थाओं ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया, तो अब पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के जरिए ही अपने खर्चे पूरे करने का मन बनाए बैठा है। बता दें, समझौते के मुताबिक श्रद्धालु सुबह के वक्त पाकिस्तान पहुंचेंगे, गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन कर शाम तक वापस लौट जाएंगे। उनके साथ उनके पास पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वीजा को जरूरी नहीं किया गया है। आने वाले 9 नवंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में PM इमरान खान पाकिस्तान से शामिल होंगे, वहीं PM मोदी भारत से ही इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।